और इस बीच बलरामपुर से बड़ी खबर, भाजपा ने 5 पार्षदों को पार्टी से निष्कासित किया है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया गया। भाजपा के 5 पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। नगर पंचायत राजपुर में कल फ्लोर टेस्ट हुआ था और फ्लोर टेस्ट में भाजपा के 5 पार्षदों ने बगावत की थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो बड़ी खबर बलरामपुर से आपको बता दें, जहां फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट में 5 पार्षदों पर गाज गिर गई है, उन्होंने बगावत की। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया। बड़ी खबर, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने बड़ा एक्शन लिया। नगर पंचायत राजपुर में फ्लोर टेस्ट के बाद ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बगावत हुई और निलंबन की कार्रवाई हो गई। घनश्याम सोनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या जानकारी मिल रही है? 5 निष्कासित कर दिए गए हैं पार्टी से पार्षदों को, क्या बड़ी वजह इसके पीछे? देखिए, इसकी वजह यह है कि कल नगर पंचायत राजपुर में अध्यक्ष पद पर जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने लाया था उस पर मतदान था और मतदान पूरा होने के बाद भाजपा की वहां पर हार हुई। कांग्रेस के पक्ष में पूरे मतदान पड़े हैं और इस वजह से 5 जो भाजपा के पार्षद थे उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बगावत की और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। पहले नगर पंचायत राजपुर में अध्यक्ष जो थे वो बीजेपी के थे, लेकिन इस बगावत के बाद अब कांग्रेस का वहां कब्जा हो गया है और इस कब्जे के बाद जो है भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक्शन लिया है और जो 5 पार्षद भाजपा से बिलोंग करते थे उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी, तो अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी और इसके बाद आपको बता दें भाजपा के 5 पार्षदों ने बगावत की और ये बड़ा एक्शन लिया गया है, पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।